शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कल मां भारती के वीर सपूत प्रफुल्ल चंद्र चाकी की पुण्यतिथि के अवसर पर देशभक्तों का टोला जब उनकी शहादत स्थल मोकामा के शहीद द्वार पर पहुंचा तो स्थानीय लोगों की आंखें भी भर आई। कल शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी के शहादत के सम्मान में कृतज्ञ तीर्थ यात्रियों का एक जत्था मोकामा पहुंचा था। इस कृतज्ञ तीर्थ यात्रा में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। मोकामा की मिट्टी उस समय और चमकीली हो गई जब कृतज्ञ तीर्थ यात्रियों ने चाकी के शहादत स्थल की मिट्टी को अपने माथे से लगाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी अमर रहे का जयघोष किया। आजाद भारत के इस क्रांतिकारी दस्ते में बेगूसराय, लखीसराय, मराची और मोकामा से आए देशभक्त शामिल थे। हाथों में तिरंगा लिए प्रफुल्ल चंद्र चाकी अमर रहे के जयघोष से पूरा मोकामा आंदोलित होता नजर आ रहा था। 115 साल हो गए वीर बांकुर प्रफुल्ल चंद्र चाकी की शहादत को, मगर शहीद द्वार पर कल जो समा बना, लोगों के चाकी का जयघोष किया, मानो लग रहा था कि चाकी आज ही कुर्बान हुए हैं। देश के लिए अपना सर्वोच्च कुर्बान करने वाले प्रफुल्ल चंद्र चाकी के सम्मान में कृतज्ञ तीर्थ यात्रियों के देशभक्तों ने शहीद द्वार पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी के तेल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। पूरे शहीद द्वार परिसर में मोमबत्ती जलाकर प्रफुल्ल चंद्र चाकी को श्रद्धांजलि दी गई। बच्चे, बूढ़े, जवान पूरी ताकत से वीर प्रफुल्ल चंद्र चाकी अमर रहे के नारे लगा रहे थे। ज्ञात हो कि शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी देश के एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने यह शपथ लिया था कि जीते जी उन्हें अंग्रेज पकड़ नहीं सकते। कोलकाता से मुजफ्फरपुर और फिर मोकामा तक वह अंग्रेजों से लुका छुपी खेलते रहे। जब मोकामा में वह पूरी तरह अंग्रेजों से घिर गए तो अपनी पिस्तौल से अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, और जब आखिरी गोली बची तो चाकी ने पहले मिट्टी को माथे से लगाया और भारत माँ से माफी मांगी कि हे माँ, तेरा मेरा सफर बस इतना ही, और अपनी आखिरी गोली को चूमा और खुद को गोली मार ली और भारत माँ की मिट्टी में लहूलुहान शहीद हो गए, अमर कर गए मोकामा की मिट्टी को। वह प्रेरणा स्रोत बन गए उस हजारों क्रांतिकारियों के लिए जो आजादी के लिए मर मिटने को तैयार थे। कुछ दिनों बाद ही खुदीराम बोस पकड़े गए, उन्हें फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को भी फांसी हुई। देश के एक और महानायक चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बताए मार्ग को चुना और अंग्रेजों से नहीं पकड़े जाने का संकल्प लिया। वह जब अंग्रेजों से घिर गए तो चाकी की तरह अपनी आखिरी गोली से खुद को ही मार लिया और अमर हो गए। देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले वीर प्रफुल्ल चंद्र चाकी की शहादत अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि।